लोगों ने बहुत हद तक सुरक्षित कर लिया था, मगर ये एकाएक आज जो है दोबारा से पानी छोड़ा गया है, ऊपर से जो पानी आ रहा है उसकी वजह से दोगुना तिगुना की हम लोग इरीगेशन वालों से भी बात किए, पानी का फ्लो बैराज से बहुत ज़्यादा बढ़ गया और उसकी वजह से जो हमारा टावर है फिर से एक बार खतरे में आया और वो कोलैप्स कर गया। लेकिन इसकी वजह से किसी तरह की कोई लाइन बंद हो चुकी है, इसकी तरह कोई समस्या वैसी नहीं है, इसकी तरह कोई विद्युत व्यवधान भी फिलहाल नहीं है। का मामला ये आया है 6:30 के दरमियान पे टावर गिर गया, जैसे ही गिरा वैसे ही आग बगुला हो गई, उसके नीचे नावें बंधी हुई थी अगल बगल 5-6-7 नावें गायब हो गई हैं, डूब गई हैं, 5-6-7 नावें जो है निरस्त हो गई हैं, उसमें प्लस इंजन जो रखे हुए थे किसानों के अगल बगल वो भी चले गए हैं, खराब हो गए हैं। तो अभी अधिकारी आए हुए थे यही टावर के, जो कोई भी SDO वगैरह इंजीनियर वगैरह जो कोई भी आए हुए थे उन्होंने भी यही बातचीत को ही बताया। अभी करीब 4 के दरमियान वो देख करके गए थे, लेकिन पानी एक बैग बढ़ जाने से जो इन्होंने व्यवस्था की थी वो नीचे बालू है नीचे धसती हुई चली गई, एक बैग गंगा ने टावर को नष्ट कर दिया।